नमस्कार दोस्तों, राजेश शर्मा जी है। राजेश जी आप कहाँ से? बस्सी जयपुर से। बस्सी जयपुर से। तो आपका एक साल पहले ऑपरेशन हुआ था? करीब सर डेढ़ साल, एक डेढ़ साल पहले है ना। तो इनका ऑपरेशन हुआ था टीबिया का कहीं और बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ था। बट ऑपरेशन के बाद में एक्सरसाइज की कमी हो जाए या घुटना जो है वो थोड़ा सा जाम हो गया। तो अगर इनकी मूवमेंट हम देखेंगे तो ये 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री है ना। ये 100 डिग्री से ज्यादा मुड़ता नहीं है ना, टाइट हो गया एकदम है ना। इसके बाद में इन्होंने एक्सरसाइज भी खूब करी है ना, पर ये मुड़ नहीं पाया। नहीं पाया। आप पुलिस ऑफिसर है? जी सर। ठीक है, कहाँ? वहीं पे वसीम यहाँ जयपुर में सर, पुलिस हेडक्वार्टर लालकोट। ठीक है, इधर आइए पास आइए। तो इनका अगर पटेला देखेंगे तो ये एकदम ही फ्री है, लूज है ना। ये 3 छोटे छोटे चीरे हैं जिसमें से इन्होंने ऑपरेशन किया था, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो चिपकावट है ये फीमर के साइड पे इस जगह पे चिपकी हुई है। इसको हम आर्थ्रोस्कोपी से रिलीज करके देखेंगे कितना मुड़ता है। एक्सरे अगर हम देखेंगे इनका तो ये एक्सरे है ना। तो इसमें ये 3 स्क्रूज है, हड्डी पूरी जुड़ गई है और इसको हम सफाई करके फिर मोड़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। राजेश जी का हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, राजेश जी का घुटना आराम था, बहुत 100 डिग्री मुड़ गया था, इससे ऊपर ही मुड़ नहीं पाया था। हमने आर्थ्रोस्कोपी से सारा रिलीज कर दिया। अब इनका जो राजेश जी का घुटना है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 डिग्री है ना, 150 है। इसके ऊपर ही टाइट हो रहा है बहुत, जाहिर है। बट जो मूवमेंट यहाँ था अब वो मूवमेंट यहाँ है। ठीक है, तो अगर हम इसमें चीरे देखेंगे तो पास हटा उसको, 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीरों में पूरा ऑपरेशन हुआ। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, राजेश शर्मा जी है। राजेश जी आप क्या करते? मैं पुलिस में ड्यूटी है सर, मेरी जयपुर में पुलिस में ड्यूटी हो। जी सर। तो बेसिकली आपकी क्या इंजरी हुई थी और आपकी क्या तकलीफ थी? बाइक से गिर गया था, फ्रैक्चर हो गया था। कितने महीने साल हो गए? करीब 1.5 साल हो गए लोग। अच्छा, तो स्क्रू लगे थे आपके? हाँ सर, स्पेन स्क्रू लगे थे। फिर उसके बाद मूवमेंट कम हुई थी आपकी, एक्सरसाइज कम हुई थी? हाँ, थोड़ी सी शुरुआत में एक्सरसाइज स्लो करने की वजह से मूवमेंट आ नहीं पाया था पूरा। वो घुटना पूरा मुड़ा नहीं था? जी सर। कितना मुड़ गया था ऑपरेशन के बाद, पहला ऑपरेशन के बाद? हाँ, लगभग 100-110 डिग्री तक आ जाता। 100-110 डिग्री आया। उसके बाद आपने फिजियो को ट्राई किया? हाँ किया था सर, करीब 5 महीने तक फिजियोथेरेपी करवाई थी मैंने। खुद भी आप कर रहे? हाँ मैं भी कर रहा था, बट मुड़ नहीं पा रहा। नहीं नहीं मुड़ पा रहा। फिर आपको यूट्यूब के माध्यम से मेरा मिला होगा? जी सर। तो प्लस फिर आप जयपुर में ही हो तो आप मुझे दिखाने भी आए। तो दिखाने के बाद फिर क्या हमने बात की आपसे? आपने जब वो ऑर्थोस्कोपी के लिए सजेस्ट किया तो उससे हो सकता है मूवमेंट पूरा आ जाए। फिर आपका कब ऑपरेशन हुआ था? मेरा हुआ था सर सोमवार को। सोमवार को? तो ऑपरेशन के टाइम पे आपने ऑपरेशन पूरा देखा? जी बिल्कुल पूरा देखा। पूरा देखा मैं, कैसे सफाई कर रहा था, कितनी ज्यादा चिपकावट थी अंदर है ना, सारी हमने हटाई उसको बिल्कुल। और फिर मुड़ा? फिर मुड़ा? हाँ अच्छा मुड़ा सर। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री था आपका और अप्रोक्सीमेटली 150 डिग्री तक ऑपरेशन के बाद आया था। बिल्कुल सर, है ना। और आज अभी 2 दिन हो गए आपके ऑपरेशन के बाद। तो फिजियोथेरेपी आप करा रहे? बिल्कुल। कितना मूवमेंट आया फिजियोथेरेपी में? अभी 120-130 आ गया, मतलब 100 के बाद तो पहले 5 महीने एक्सरसाइज करी, खुद भी करी तो अभी भी नहीं आ रहा था। अब 130 आराम से आ रहा है? जी सर, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आलती पालती मार के दिखाने का ट्राई कर सकते हैं? एक बार ट्राई करो अगर हो सकती है तो। धीरे धीरे हम लोग सुबह जब ट्राई करे थे देखा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पहले कभी ऐसा आ रहा था आपका? हाँ पहले नहीं आ रहा था, लगभग मुश्किल से आता था कभी। अभी आराम से करता, अभी तो आराम से आ रहा है और भी अंदर जाता है धीरे धीरे, चला ही जाएगा फिर तो। अभी एक्सरसाइज और करने से? जी सर। तो मतलब क्या लग रहा था ऑपरेशन के टाइम पे, ऑपरेशन के पहले, कि भाई ये मुड़ जाएगा नहीं मुड़ेगा? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को भी मिला होगा मुझसे मिलने से पहले? नहीं सर, मैं किसी से नहीं मिला। डेढ़ महीना, 5 महीने फिर एक्सरसाइज के बाद में आपने सोचा नहीं किसी और को मिलो, क्योंकि अगर मुड़ नहीं रहा है तो किसी को तो मिलना चाहिए था। फिजियोथेरेपिस्ट वाले से बात करते रहते थे, वो ही कह रहा था शायद हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर हो नहीं पाया। हो नहीं पाया सर, वापस आ जाता फिर वापस कम हो जाता था। जैसे सुबह एक्सरसाइज कर ली और पूरा दिन अगर कुछ भी नहीं किया तो वापस वो कम हो जाता था, वो बड़ी समस्या है। ये तो अभी आ जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा ही आ जाएगा अभी तो। अभी थोड़ा इजी है आने में भी, इजी हो रहा है, आ ही जाएगा। पेन कैसा है आपका?
पेन तो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी नीचे उतरे आराम से, सीधा खड़े रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। वो वाला पैर ऑपरेशन वाला है अपना? हाँ ये वाला है। इस पैर पे खड़े रह सकते खाली, नॉर्मल वाले पैर पे? नॉर्मल वाले पे रहूं पहले? इस पे, इस पे हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत। इसी पैर का ऑपरेशन किया और इस पैर पे आप पूरा वजन देखेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लांट भी खोला हमने, बिल्कुल हटाया है ना, तो भी आप खड़े रह पा रहे, कोई दर्द नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो थैंक यू राजेश जी, ऑल द बेस्ट आपके ट्रस्ट के लिए, और होपफुली आप अपनी सारी एक्टिविटीज सब कुछ सही से करो। जी सर, कोई इश्यू हो तो बात करते हैं।